दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। कई सारे लोगों को फिनो पेमेंट्स बैंक की जो ये CSP ID है और PC में यूज़ करते हैं यानी कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उन्हें मंत्रा जो है डिवाइस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती है। किस तरह से मंत्रा इस डिवाइस इंस्टॉलेशन होता है इसका टोटल डिवाइस मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि टोटल आपको इस वीडियो को देखना है। मैं पूरी तरह से इसमें इंस्टॉल करना आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मंत्रा का जो है इंस्टॉलेशन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो मंत्रा का सेटअप है उसको अपने पास रखे रहना है, उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है। चलिए हम उसके मंत्रा का डिवाइस जो है हम उसको क्या करते हैं, पहले अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद इस तरह का जो आपका जो वेबसाइट है पार्टनर फिनो पेमेंट बैंक का ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी मांगा जा रहा है, मर्चेंट आईडी मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मर्चेंट आईडी होगा वो मर्चेंट आईडी आपको डाल देना है। तो चलिए हम मर्चेंट आईडी डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एक तो नया पेज ओपन होगा, इस तरह से आपको सर्चिंग ले रहा है जैसे आपको देख रहे हैं। आपका ये सर्चिंग लेने में थोड़ा समय लेता है कभी कभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से, तब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तो ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मंत्रा डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। चलिए हमारा ये सर्चिंग हो रहा है, सर्चिंग होने देते हैं। जैसे खुलता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा इस वीडियो में। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये मंत्रा डिवाइस का मतलब फिनो पेमेंट का जो है वेबसाइट है ये आगे अपन सर्चिंग ले रहा है। चूंकि इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये हमारा जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है। चलिए जैसे जैसे खुलता है मैं आपको इस वीडियो में बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का पेज खुला है जिसमें आपका जो है यूजर आईडी नजर आ जाएगा यहाँ पे। और एक चीज मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे जो है चार स्क्रीन देख रहे हैं, एक दिया है इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड अनलॉक नाउ, और यहाँ दिया अनब्लॉक वाया बायोमेट्रिक, और दिया है टेस्ट बायोमेट्रिक पिनपैरेंट कैमरा। तो आपको क्या करना है, ये चौथा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको टेस्ट बायोमेट्रिक पिनपैड एंड कैमरा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मंत्रा का जो सॉफ्टवेयर है आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए, आपको इस तरह का पेज नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है डाउनलोड मंत्रा सेटअप, आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इसके मंत्रा का जो सॉफ्टवेयर है यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होना स्टार्ट होता है वो भी मैं बताता हूँ। इस तरह से आया, इस फाइल को आपको सेव कर लेना है। जैसे हम सेव करना शुरू किए तो हमारा ये फाइल का डाउनलोड जो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम इसको पहले से डाउनलोड कर चुके हैं इसलिए चलिए हम उसको डाउनलोड कर खोलते हैं। ये हमारा जो है फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप मैंने यहाँ डाउनलोड करके रख लिया है। अब इसको क्या करना है, ये आपका जो है रार फाइल में होता है, ठीक है। इस रार फाइल को क्या करना होगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन दिखाया गया है, इस एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ओके मांगा जाएगा, आपको उसको ओके कर देना है और ये फाइल आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके भी रखा हुआ है तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हमारा ये डेस्कटॉप ये फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से आएगा। इसको जैसे आप ओपन करते हैं तब इस तरह से फोल्डर में आएगा मंत्रा सेटअप एंड सर्टिफिकेट। इसको आपको क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें दो एप्लीकेशन नजर आएगा, एक मंत्रा आरडी सर्विस का, एक मंत्रा क्लाइंट का। सबसे पहले क्या करेंगे, आप मंत्रा क्लाइंट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यस का मांगा जाएगा, आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। देख रहे हैं इस तरह आपका जो है ये मंत्रा का सेटअप इंस्टॉल ले रहा है, MFS 100 क्लाइंट सर्विसेज ये इंस्टॉल होगा। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर से इंस्टॉल आएगा, यहाँ से आपको इंस्टॉल करते जाना है। ऐसे जैसा प्रोसेस आता है वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो ही आप सीख पाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ कोई विंडोज खोलता है उसको आपको क्लोज कर देना है या इंस्टॉल कर देना है। चलिए हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये सेटअप इंस्टॉल ले रहा है। इंस्टॉल लेने के बाद मैं फिर से बताऊंगा आपको करना क्या है।
चलिए इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है कुछ इस तरह का स्क्रीन सब नजर आएगा। यहाँ दो आपको टिक नजर लगाया होगा, आपको क्या करना है इस दोनों का क्लोज कर दीजिए, इसके बाद यहाँ से फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज ओपन हुआ है, तो इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से आप इसको पिन कर दीजिए। कभी कभी आपको जो है फिंगर पर इसको जो टेस्ट करने के लिए जो आपको सहायता मिल जाएगा। चलिए इसको हो गया, इसको हम यहाँ से, अब दूसरा स्टेप पे क्या करना है आपको, यह मंत्रा आदि सर्विस आपको भी इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करके अरानज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम राइट क्लिक करते हैं, अरानज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यस मांगा जाएगा, इसे यस कर देना है आपको। फिर से यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, आपका जो ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। अब इंस्टॉल करने के बाद कैसे वर्क करता है ये सारा आपको इंस्टॉलेशन में बताते जाएंगा। चलिए यहाँ फिनिश आ गया, आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये देख रहे हैं कि हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। आपको मैं इसको डेस्कटॉप इसका आइकन भी दिखा दूंगा। देख रहे हैं हमारा ये है कॉन्फ़िगरेशन मंत्रा का, यहाँ पे आपको आ चुका है। अब ये हमारा जो है इसको ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर को। ये हमारा जो है क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक मंत्रा होस्ट रिसोल्व ऑप्शन दिया गया है आपको। डिवाइस को क्या करना है, मंत्रा के डिवाइस जो है आपके पास उसको इसमें कनेक्ट करके रखना है। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ मंत्रा होस्ट रिसोल्व पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये इस तरह से पेज सर्चिंग नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ओपन होने के बाद कुछ देर सर्चिंग लेगा आपको, तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। तो आपको देखना है इस तरह का आपका आ जाएगा कि वेलकम टू MFS 100 क्लाइंट सर्विस, इस तरह का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। इस पर फिर से आपको इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको दिया है मंत्रा FP कैप्चर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मंत्रा के डिवाइस में लाइट जलेगा, आपको फिंगर को कैप्चर कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक करके अपना जो है फिंगर को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद जो है क्या होगा, आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से ओके पर क्लिक करने के बाद जो है आपको बहुत सारा ओके बार दो चार बार ओके कहा जाएगा, ओके करना। चलिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको कैप्चर कर लेते हैं। चलिए हमारा ये डिवाइस स्टेटस यहाँ पे आपको जीरो दिया है, यहाँ पे ओके आया है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे दो बार तीन बार आपको एक कहा जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करते जाना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे लास्ट में आपको NFQ2 आगे इसको कर देंगे और यहाँ पे ओके करते ही देखेंगे कि आपका यहाँ फिंगर जो है शो कर चुका है। अब इसको इतना शो करना, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है बैक टू लॉगिन पेज, आपको इस पर दबा देना है। अब जैसे इस पर दबाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि आप मंत्रा का जो फिनो का जो वेब पेज है, होम पेज है, उस होम पेज पे आप चले आएंगे जहाँ से आपको यूजर आईडी डाला जाता है सबसे पहले, वहाँ पे आप चले आएंगे। चलिए जैसे जैसे खुल रहा है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है तो ही आप सारे चीज़ सीख पाएंगे। चलिए हमारा ये पेज स्लो तो थोड़ा चल रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा इंटरनेट का फास्ट हो तो और भी काम करने में भी मजा आएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको फिनो पेमेंट बैंक का CSP लिए है तो काम करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। चलिए हम ओपन होने देते हैं, ओपन होने फिर बताते हैं किस तरह से ये काम करेगा। चलिए हमारा ये होम पेज आ चुका है, यहाँ पर आपको फिर से आपको क्या करना है, अपना यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी डालने के बाद जो है आप इसमें वर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपका पेज आ गया है, आपका पासवर्ड डाला जाएगा, पासवर्ड मांग के ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे इसमें जो है मिनी ATM का डिवाइस होता है, इसमें कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो वीडियो में बना के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।